देखो भाई बुरा मत मानी, उपदेश देना सरल है, सुनना सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। आज कथा सुनकर के जरूर आपको लगे कुछ देर के लिए कि हाँ भगवान पे सब छोड़ना चाहिए। महाराज सच्ची बात बोलते हैं, पर घर जाकर के तुरंत चिंता है कर्जा भगवान चुकाएंगे ठठरी के भरे। अरे अभी अभी तू कथा में बोल के आया, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे। इधर ये बोलते हो उधर, और कभी कभी आरती गाता, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो मांगू माँ तेरे मन एक छोटा सा कोना। हमारा एक मित्र था दुकानदार, वो अभी नवरात्रि में आरती गा रहा था, और आरती गा रहा था नहीं चाहिए धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमने कहा आगे के लगे लॉकडाउन में तूने 5 रुपए का राशि 50 में बैंका और तुझे 5 रुपए का राशि 50 में इसने बेचा, और ये आरती गा रहा नहीं चाहिए धन और, ऐसे लगे इससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। दो मुइया सांपो सुधर जाओ, सुधरो, कहो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। गुरुदेव मिले तो गुरुदेव को कहो, साधु पुरुष मिले तो साधु पुरुष को कहो, बुद्ध पुरुष मिले तो बुद्ध पुरुष को कहो, और अपने घर के ठाकुर को रोज कहो, इस घर के मालिक आप हो, हम तो चाकर हैं, और चाकर बना करके रखना ताकि ये घर तुम्हारा चलता रहे। आपको ये सूत्र है साहब, आप जीवन में कभी फिर रोएंगे नहीं, रोएंगे तो केवल माधव की याद में, सदैव मुस्कुराएंगे। और हम आपको बता रहे थे दृढ़ विश्वास की बात, कहना सरल है करना बहुत कठिन है।